नमस्ते गाइस, आशीष ये पर नमस्ते टेक। और दोस्तों, एक प्रॉब्लम हम लोगों को मेजर रोज फेस करना पड़ता है, स्पेशली घर से जब काम किया तो मुझे बहुत ज्यादा रियलाइज हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डस्ट की, बहुत सारे डस्ट की। आपका टेबल हो, टीवी का कॉर्नर हो, कोई भी जगह आप चले जाओ, इतनी जल्दी डस्ट जमा होता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। साफ करना हालांकि ईजी है, कपड़ा लो साफ कर लो, बट जो मुझे मेजर प्रॉब्लम हुई है वो है अपने टेबल पे डस्ट कलेक्शन। मैं रोज साफ करता हूँ, अगले दिन वापस वैसे का वैसे ही हो जाता है। नाउ एक डस्ट उससे कर सकते हैं क्लीन, ब्रश से कर लो, कपड़े से कर लो, कर सकते हो, बट एक मोर एफिशिएंट सॉल्यूशन है। और इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको हेल्प कर सकता है इसको क्लीन करने में। क्या आप गेस कर सकते हो वो कौन सा है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर्स की। लेकिन ये वो बड़े वाले वैक्यूम क्लीनर नहीं है, ना ही वो कार वाले वैक्यूम क्लीनर भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल है, आपके डेस्क में कहीं भी रह सकता है, घर के किसी भी कोने में रह सकता है। इनफैक्ट ये इतना छोटा है कि शायद आप इसको खो भी सकते हो, बट अगर आप ध्यान से रखोगे तो आप इसको उठाओ, टीवी के पीछे का डस्ट हो, टेबल का डस्ट हो, आराम से धीरे धीरे एकदम स्लो मोशन में आपको काम करना है और डस्ट गायब हो जाएंगे। अब मैं आपको इसका दिखाता हूं डेमो। तो आपने दोनों की परफॉर्मेंस देख ली, क्या सक्शन पावर है, कैसे ये क्लीन करता है। तो अब इन दोनों का डिटेल में अब थोड़ा सा और बात करते हैं। एक्सपीरियंस तो मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, बट इसको खोल के देखते हैं कि इसमें है क्या और कैसे क्या काम हो रहा है। तो ये दो हैं, दोनों की ब्रांडिंग पर मत जाइए, क्योंकि एक पे सिर्फ डेस्कटॉप क्लीनर लिखा है, एक पे टेहू लिखा है। अमेजोन की लिस्टिंग है, मैं लिंक शेयर कर ही दूंगा, तो आप उस पर देख लेना। तो अब मैं आपको अपने फेवरेट हैंड वैक्यूम क्लीनर के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, मैंने पहले ये लिया था और मुझे ये काफी पसंद आया था बिकॉज ऑफ द डिजाइन, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में ये वाला ज्यादा बेटर है और ये कॉर्नर्स भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है। तो चलिए आपको एक एक करके दिखाता हूं। ब्लैक है देखने में और कोई कलर नहीं है, तो ज्यादा कलर्स का ऑप्शन का आप वो मत करिएगा। नीचे इसका आप देखोगे तो यहां पर यह ब्रश है, जो कि हेयर्स जैसे जो चीज होती है या कोई भी सॉलिड चीज हो जो इसके अंदर नहीं जाएगी वो इसमें अटक जाती है, तो आपको इसको बाद में क्लीन करना पड़ेगा। फोटोग्राफ आप देख ही चुके हो, ठीक है। ये इसका सक्शन वाला पार्ट है, यहाँ से सब कुछ अंदर जाता है और आपको कुछ नहीं है, आपको धीरे धीरे इसको हैंड मूव करना है और ये ऑटोमेटिकली सब कुछ सक कर लेगा। ऑन ऑफ का जो स्विच है वो यहाँ पे है, ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है। आप इसको इधर करो ऑन हो जाएगा, इसको उधर करो ऑफ हो जाएगा। और जब इसको खोलना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको घुमाना है और ये आप देख सकते हो ऊपर का चेंबर खुल गया है। ये जो पार्ट है यहाँ पे बैटरी इंसर्ट करना है, दो डबल ए साइज बैटरी जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब इसके रिवर्स वाले पार्ट को भी देखते हैं। इसका जो डस्ट चेंबर है अगर उसको आपको खोलना है तो यहाँ आपको एक बटन टाइप का मिलेगा जिसको आपको पुश करना है और ये निकल जाता है। बहुत ईजी है लगाना
और निकालना दोनों ही। आप देख सकते हो मैं इसको यूज कर ही रहा हूँ और काफी डस्ट ऑलरेडी कलेक्टेड है। तो ये इसका बॉटम पार्ट है जिसमें कि ब्रश अटैच्ड है, डस्ट है तो खुलेगा तो गिरेगा ही ऑफकोर्स। और ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये इसका मेन है। यहाँ पे अंदर एक फैन लगा हुआ है जो कि गोल घूमता है, अंदर मोटर है ऑफकोर्स, एक छोटा सा मोटर है जो कि घुमाता है और ये इस डायरेक्शन में घूमता है कि ये हवा को अंदर की तरफ लेता है। तो ये सब जगह आपका डस्ट कलेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा आवाज आएगा। तो आवाज लाउड है ऑफ कोर्स नॉर्मल के हिसाब से। और अब मैं इसको एक काम करता हूं, इसको कर देता हूं बंद। बंद करते टाइम ध्यान रखिएगा कि ढंग से इसको यहां लगाइएगा और फिर जब आप इसको यूज करोगे और देख सकते हो कि डस्ट बिल्कुल पूरी तरह से गायब। अब इसका मैं चेंबर खोलता हूं तबा के और आप देख सकते हो ये यहाँ पे अवेलेबल है। एक चीज और है, इसको जब क्लीन करना है तो आप इसका ये पार्ट निकाल सकते हो या आप इसके साइड में देख सकते हो प्लास्टिक लगा के इसको बंद किया हुआ है। ट्रांसपेरेंट जैसा तो नहीं है बट हाँ एक चेंबर जैसा बनाया हुआ है जहाँ पे सारा डस्ट कलेक्ट होता है। और ये है इसका मेन पार्ट। तो पावरफुल इनफ है इसको डस्ट को टालने के लिए। और ये पार्ट यहां पे इसलिए भी है कि एक बार ये लग जाएगा, इसको लगाते वक्त ध्यान रखिएगा, तो इससे क्या है साइड से डस्ट नहीं निकलता और आपको विजिबिलिटी भी रहती है कि डस्ट इसके अंदर चला गया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, नेक्स्ट हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर की। ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा, देखने में बहुत सही है, व्हाइट कलर का है तो हो सकता है काफी लोगों को पसंद आएगा। और फंक्शनिंग सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ऊपर बैटरी चैम्बर है, यहाँ पे वो ब्लॉक किया हुआ है, आप कुछ ज़्यादा देख नहीं सकते हो यहाँ पे। नीचे जो आपको यहाँ पे ब्रश मिल जाता है, सेम यहाँ पे आपका वैक्यूम इन होता है, सब कुछ सेम है। बस ये है कि थोड़ा सा डिफरेंट है पावर में जो मैंने एक्सपीरियंस किया। अब इसके ऊपर के पार्ट को खोलते हैं तो ये खोलने में भी थोड़ा डिफिकल्ट मुझे ज़्यादा लगा। रीज़न ये है कि खाली मुझे ऊपर का अगर पार्ट निकालना है तो नहीं निकलता है। आपको यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इसको दबा के इसको ऐसे खोलना पड़ेगा। तो ये आपका नीचे का चेंबर है और ये है इसका अंदर का चेंबर। सेम वे अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो इसको मैं पकड़ के निकाल सकता हूँ बाहर। अगेन इट वाज नॉट इजी टू टेक आउट बट ठीक है, निकल जाता है। यहाँ पे आपको साइड में दे रखा है डस्ट कवर करने के लिए। और इसको ऑन करना है तो इसका सेम फंडामेंटल्स, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस कंपनी का फर्क है। अब इसका अगर बैटरी मुझे चेंज करना है तो यहाँ से होगा और ये इसका बैटरी चेंबर है। यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है, बस लुक एंड फील में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और लगाने में बहुत ही इजी है क्योंकि ये आराम से फिट भी होता है, वो लगाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब इसको मैं क्लीन करके दिखाता हूँ। तो दोनों ही प्रोडक्ट ठीक है, इसकी पावर ज़्यादा है और जो एडवांटेज मिलता है मुझे इस वाले में वो है कि ये राउंड है तो ये कहीं भी अटकता नहीं है, कॉर्नर्स ज़्यादा अच्छे से रीच करता है। ये वाला थोड़ा कम कॉर्नर्स को रीच करता है बिकॉज ये कॉर्नर्स पे अटक जाएगा। अब मैं आपको इसके एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ। तो आपने दोनों प्रोडक्ट का डेमो भी देख लिया, उसके सक्शन पावर को भी समझ लिया, मैंने आपको अंदर से खोल के भी दिखा दिया कैसे ऑपरेट करता है, किसको खोलना ज़्यादा आसान है। बट एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे हैं, ऐसा कुछ मेजर ड्रॉबैक नहीं है दोनों ही। अगर एज फार एज अगर मैं सोचूं कि मुझे अपना टेबल क्लीन रखना है, आप दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो। आपको टीवी के पीछे की जगह क्लीन करनी है, बहुत सारा डस्ट है, या खिड़की पे डस्ट है, या अचानक से कुछ गिर गया है ना आपको उठाना ही है,
और आप चाहते हो, वैसे तो झाड़ू ज़्यादा बेटर काम करेगा, बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि आप इसी से ही उठाओ, तो ये दोनों प्रोडक्ट इक्वली काम करते हैं। लेकिन ब्लैक वाला जो मेरे हाथ में, आपको इन दोनों का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, बट ये जो ब्लैक वाला है ये बेटर काम करता है वाइट वाले से। इसका दो रीज़न है। पहला, इसका सक्शन पावर बेटर है कंपेयर टू दिस। अगेन माइनर हो सकता है, बट मैंने आपको डेमो भी दिखाया था कि जो वाइट डस्ट है या जो नॉर्मल डस्ट है उसको ब्लैक वाले ने ज़्यादा अच्छे से पिकअप किया था, वाइट वाला पिकअप नहीं कर पा रहा था। अब बात करें कि कॉर्नर्स की, तो स्क्वायर होने के कारण ये कॉर्नर्स पे अटकेगा, रीच कम होगी, जबकि जो ब्लैक वाला है राउंड कॉर्नर के हिसाब से ये ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा अच्छे से रीच करता है। अब बात करते हैं बैटरी कंजम्पशन की। तो बॉस ये बैटरी एफिशिएंट डिवाइसेस नहीं है, ये बिल्कुल रॉ पावर पे चलते हैं। 2 AA बैटरी लगता है इसमें और ये फुल ऑन उसको यूटिलाइज करते हैं। सिंपल सा फंक्शन है वैक्यूम। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप इसको हैवी यूज में नहीं कर सकते, और इनके डॉक्यूमेंटेशन में भी क्लियरली लिखा है कि आप इसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाएं, बिकॉज ये ऑलरेडी हीट हो जाएंगे तब तक, और ज़्यादा चलाएंगे तो शायद इसका मोटर कुछ गड़बड़ा जाए। तो 800-900 रुपए की चीज़ है, उसी रेंज में ही आता है, और 10 मिनट से ज़्यादा आप क्या डस्ट क्लीन कर लोगे, ऐसा तो कोई डस्ट क्लीन करना नहीं है, 2-3 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट पकड़ लो, तो आप ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। और बैटरी कंजम्पशन के हिसाब से मेरे पास आपसे 2 AA बैटरी जो है इसके अंदर करीब करीब अगर आप रेगुलर भी यूज़ करते हो 2-3 मिनट के लिए, तो 15-1 दिन आराम से लगेगा, 15-20 दिन चल जाएगा, उसके बाद आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा। कोई आप अगर आपका रिचार्जेबल बैटरी है और आप एकदम टेक एंथुसियास्ट हो, बॉस अब तो इसी से ही क्लीन करना है, आप आराम से रिचार्जेबल बैटरी ले लो और यूज़ करो। तो दोस्तों ये था एक्सपीरियंस हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर का। पोर्टेबल है, क्यूट सा है, अगर आप टेक एंथुसियास्ट हो, आपको छोटे छोटे गैजेट्स अच्छे लगते हैं, तो आप ज़रूर इसको ले लो। इनफैक्ट मैंने कभी एक और गैजेट लिया था जो कि डाब को एफिशिएंटली कोल करता है एक होल बना के, वरना डाब लाओ उसको चक्कू से काटो और वो बहुत झमेला रहता है, और वो छोटा सा गैजेट है, बस डाब के अंदर डालना है, पुश करना है और एक होल बन जाता है बड़े आराम से। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे गैजेट्स हैं जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अगर आपको उसके बारे में एक वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा। और हाँ, अगर आपने भी कोई अगर वैक्यूम क्लीनर यूज़ किया इस तरह का, नॉट वो बड़े वाले और बैटरी रिचार्जेबल वाले नहीं, ऐसे छोटे वैक्यूम क्लीनर यूज़ किए, तो ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में उसका नाम छोड़िएगा। सो फाइनली, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और डिफरेंट लगा हो, तो ज़रूर उस वीडियो को थम्स अप दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।